हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ आधा कप पोहे से बने बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप पोहा लिया है। मोटा या पतला कोई भी पोहा आप इस नाश्ते के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में इस पोहे को हम डाल लेते हैं और इसे 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि पोहे में बहुत सारी गंदगी होती है। तो चलिए फटाफट से पहले इसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना गंदा इसका पानी हो गया है। तो 2-3 बार इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये देखिए पोहे को हमने धुल लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी हम डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे पोहा हमारा फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल हमने और लिया है, इसमें आधा कप पत्ता गोभी ली है, जिसे हमने चॉपर से बिल्कुल बारीक काट लिया है। सब्जियों को आप बारीक काट कर ही लीजिएगा। और एक छोटी गाजर है, इसे हमने मीडियम वाले छेदों से ग्रेट कर लिया है, इसको भी डाल देते हैं। और एक छोटी शिमला मिर्च, इसको भी हमने चॉप करके ही लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो सारी सब्जियों को एक बाउल में हम डाल देते हैं। अब इसी में आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। नमक डालने से सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। और अब इस नाश्ते के साथ खाने के लिए एक चटपटी सी चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ मिक्सी के जार में हम धनिया को डालेंगे। तो धनिया को पहले ही धुलकर हमने साफ़ कर लिया है। अब इसी में एक हरी मिर्च तोड़कर डाल देते हैं और 2 चम्मच यहाँ पर हमने रोस्टेड चना दाल ली है। आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये दाल ना हो तो आप यहाँ पर कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। और खटास के लिए 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। और 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। आप पानी की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चटपटी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट से इसको हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए चटनी का कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब इसमें नमक डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस चटनी को आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चटनी को भी रख देते हैं और अब अपने पोहे को देख लेते हैं। तो ये देखिए पोहा बहुत अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। जब इसे हाथों से हम मैश कर रहे हैं ना, तो ये बहुत आसानी से मैश हो रहा है, ये देखिए। तो अब पोहे को मैश करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा डो बनकर भी तैयार हो गया है, ये देखिए। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है, ये देखिए। पोहा है, हाथों में थोड़ा सा ये चिपकता है। तो चलिए अभी इसको हम रख देते हैं और अपनी सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। और इन सब्जियों ने भी पानी छोड़ दिया है और ये पहले से थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो हाथों से निचोड़ के इन सब्जियों का हम रस निकालेंगे। ये देखिए कितना सारा पानी इन सब्जियों से निकल रहा है। तो इसी तरह से इन सब्जियों को निचोड़ कर हम पोहे वाले डो में डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को हम बहुत सारी सब्जियों और पोहे से बना रहे हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बनेगा। तो ये देखिए इसी तरह से सारी सब्जियों को हमने निचोड़ लिया है। और ये जो रस है, इसका यूज आप आटा गूंथने में या दाल बनाने में या फिर सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, साथ में कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और कुछ मसाले अब इसमें डालेंगे। तो 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें कलर के लिए हल्दी डाल देते हैं और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 ही चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा कम खाते हो तो मिर्च कम कर दीजिएगा। और 2 चम्मच इसमें हम सफ़ेद वाला तिल डालेंगे, इससे नाश्ते में बहुत बढ़िया क्रंच आएगा। और 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हाथों से रगड़ते हुए इसमें डाल देंगे। नाश्ते में अजवाइन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और अब नमक डालेंगे। तो सब्जियों में भी हमने नमक डाला था, तो नमक यहाँ पर कम डालेंगे। तो 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। और बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन डालेंगे। तो 4 चम्मच बेसन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। सब्जियों को इसीलिए हमने निचोड़ दिया था,
अगर हम सब्जियों को नहीं निचोड़ते तो सब्जियों में बहुत सारा पानी होता और बेसन हमें ज़्यादा डालना पड़ता। तो चलिए अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और अगर आपको ये डो ज़्यादा गीला लग रहा हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन और डाल लीजिएगा, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। 40 चम्मच बेसन में ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है और हमने इसे सॉफ्ट ही लगाया है। ये देखिए तो डो तैयार है। चलिए आप नाश्ता बनाते हैं। तो हाथों को धुलकर हमने हल्का सा तेल लगा लिया है। अब नींबू के आकार का मिक्स लेंगे, हथेलियों से इसे गोल करते हुए चिकना करेंगे और उसके बाद हल्का सा प्रेस देते हुए इसे टिकिया का शेप दे देंगे। तो ज़्यादा मोटी टिक्की नहीं रखेंगे, इसे पतली ही रखेंगे और इसके किनारों को ये देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए एक टिक्की बनकर तैयार हो गई। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बनाकर हम तैयार करेंगे। तो एक टिक्की हम आपको और बनाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए नाश्ते की दूसरी टिक्की भी बनकर हमारी तैयार हो गई। तो इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो आधा कप पोहे और सब्जियों में हमारी 7 टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब फटाफट से इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में हमने 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। बहुत कम तेल में आज इन्हें हम फ्राई करेंगे। जब तेल बढ़िया गरम होगा तब एक एक करके अपने नाश्ते को हम पैन में डाल देंगे। तो जितना नाश्ता एक बार में पैन में आता है उतना आप डाल दीजिए और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हम फ्राई करेंगे। कुछ देर इन्हें इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। उसके बाद जब एक साइड से हल्का सा इन पर कलर आ जाएगा तो इन्हें हम धीरे से पलट देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ते पे गोल्डन कलर आ चुका है। तो इनको हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी कुछ सेकेंड के लिए इन्हें हम सिकने देंगे और उसके बाद धीरे से पलट देंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी नाश्ता बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। मीडियम फ्लेम पर ये अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी होंगी और कच्ची नहीं रहेंगी। तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से इनको हम निकाल लेते हैं। तो इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ 10 मिनट में आप पोहे और सब्जियों से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ते पे कलर आया है। चलिए तो फटाफट से इनको हम निकाल लेंगे और बाकी का नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है और देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और आज इसे हमने चटपटी सी हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मज़ेदार से चटपटे से नाश्ते की रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।